मूसा वाले के कानों में छिपा है उनके मौत का राज। मूसा वाले को उनकी मौत का पता पहले ही चल गया था, क्या मूसा वाले की मौत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी? आखिर क्यों चर्चा में है गाना बाय बाय? मूसा वाले के टैटू क्रेज की क्या है दास्तान? मूसा वाले की मौत को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपको आज मूसा वाले की मौत से जुड़ा ऐसा राज बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश भागता हो जाएंगे। मूसा वाले की मौत के पीछे कई गहरे राज दफन हैं। शायद ये राज उन्हीं राजों में से एक होगा। आइए जानते हैं क्या था ऐसा राज। कहने वाले तो कहते हैं मूसा वाले को अपनी मौत से पहले ही अपनी मौत की भनक लग गई थी, तभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक गाना गाया और उस गाने की टैगलाइन रखी गई जवानी में जनाजे। ये इत्तेफाक हो सकता है। अब उनके जाने के बाद आज उनका ये गाना एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके फैंस को लगता है कि उस गाने में जैसे जाने अनजाने वो अपनी बात ही कह रहे थे। आपको ये भी बता दें इस गाने का नाम 295 है, यानी कि 295। और बड़ी बात ये है कि ये गाना उनकी मौत के बाद से पहले के मुकाबले ज्यादा सुना जा रहा है। अब हम ऐसे किस्से का जिक्र करेंगे जिसे सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या मूसा वाले के गानों में उनकी मौत की कहानी छिपी थी। लगभग 2 साल पहले 2020 में उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर गाना गाया था। अगर आप पंजाबी गानों को सुनना पसंद करते हैं तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा, ये गाना बाय बाय। इसमें कुछ ऐसी लाइनें थी जो मूसा वाले की मौत से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। आपको बता दें उसके बोल थे, जट नहीं मिटना पाइया टैटुआ नाल बाहा खुनिया। इसका हिंदी में मतलब हुआ मूसा वाला जट नहीं मिटेगा, उसके टैटुओं से बाहें यानी हाथ खड़े हुए हैं। और यही दृश्य आज देखने को मिल रहा है जहां मूसा वाले के दीवाने कभी उनके टैटू हाथ पर तो कभी पीठ पर परमानेंट खुदवाने का काम कर रहे हैं। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है जहां लोग तरह तरह के मूसा वाले के टैटू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो मूसा वाले के नाम का परमानेंट टैटू बनवाते हैं। खैर गाना इत्तेफाक हो सकता है या फिर मूसा वाले के दिल का राज। आज मूसा वाला भले ही हमारे बीच नहीं है मगर उनके गाने और उनके गीत, उनका अंदाज उनके फैंस के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।